Friends, welcome to your online classes. This is the video about class 1 English literature lesson 9. इसके पहले आपने लेसन 8 पढ़ा था. लेसन 8 जो वो सिर्फ स्टोरी रीडिंग स्टोरी फॉर प्लीजर है, मींस वो खाली स्टोरी एंजॉय के लिए, उसका कोई वर्क नहीं है. कम एट द लेसन 9 एंड पेज नंबर 38 पेज नंबर पे आ जाइए. दिस इज योर पेज नंबर 38 लेसन 9 एंड द लेसन इज हैप्पी बर्थडे प्रिया. प्रिया एक बच्ची है, उसका हैप्पी बर्थडे है. हाउ टू सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सबको इनवाइट करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये एटिकेट समझने के लिए या एक सीन को समझने के लिए ये आपका लेसन है. चलिए लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर ओपन कीजिए 38 और अपनी बुक को ओपन करके रखिए और संग संग में स्टडी करके उसको समझते चलिए. ओके, स्टार्ट द लेसन नाउ. मदर सेज निशु कम हियर. माँ ने बोला निशु यहाँ आओ. निशु कम्स इन टू द ड्राॅइंग रूम. निशु अपने ड्राॅइंग रूम में आता है. हिज पेट रॉक्सी ऑल्सो रशेज इन. और जब निशु कमरे में आता है तो संग संग में उसका जो पेट है रॉक्सी वो भी उसके संग आता है. अब वो उसको बताने चलता है, माँ बताती हैं कि क्या क्या उसको कैसे हेल्प करनी है, कैसे क्या करनी है. टुडे इज़ प्रियाज बर्थडे सेज मदर. माँ बोलती हैं आज प्रिया का बर्थडे है. शैल वी सेलिब्रेट हर बर्थडे. आपको क्या लगता है कि हम लोग आज इसका बर्थडे मनाएं? अब उसका भाई बोलता है वाई नॉट, आई विल बेक अ बिग केक ऑन हर बर्थडे सेज मदर. जब माँ भाई बोलता है हाँ बिल्कुल हमें मनाना चाहिए, तो अब वो बोलते हैं बिल्कुल. अब माँ बोलती है मैं उसके लिए एक बड़ा सा केक आज बेक करूँगी, घर पे ही केक को बनाऊँगी. कम एट द सेकेंड पेज. हाउ नाइस, आई शैल बाय अ ब्यूटिफुल टेडी बियर फॉर हर सेज निशु. निशु जो उसका ब्रदर है वो बोलता है ठीक है मैं उसके लिए एक बड़ा सा सुंदर सा टेडी बियर उसको खरीद के एज अ गिफ्ट दूंगा. मदर बेक्स अ केक शी पुट्स ऑन हिज डाइनिंग टेबल. माँ ने केक बनाया और उन्होंने उसको डाइनिंग टेबल पर रख दिया. शी राइट्स हैप्पी बर्थडे टू प्रिया ऑन द केक. उन्होंने केक के ऊपर सुंदर सा लिखा हैप्पी बर्थडे टू प्रिया. निशु गोज़ टू द मार्केट. निशु क्या करता है, मार्केट जाता है. ही बायज अ ब्यूटिफुल टेडी बियर और वहाँ से वो सुंदर सा भालू सा टेडी बियर उसका खिलौना खरीदता है. He gives it to Priya और वो प्रिया को देता है. Happy birthday to you, he says. वो अपनी बहन को बोलता है Happy birthday to you. Oh, what a beautiful teddy bear. Thank you, Nishu, says Priya. Priya अपने भाई को thank you बोलती है. Oh, what a beautiful dear. वो बोलती है कितना प्यारा teddy bear है. Thank you, Nishu. Daddy returns from his office. अब डैडी जो है उसके पिताजी जो हैं वो ऑफिस से वापस लौटते हैं. He brings a big doll for Priya और वो प्रिया के लिए एक बड़ी सी डॉल लेके आते हैं. He gives it to Priya. Thank you, Papa, says Priya. वो प्रिया को देते हैं. जब प्रिया को गिफ्ट मिलता है तो वो बोलती थैंक यू पापा. ये एक एटिकेट होता है, अगर आपको कोई कुछ गिफ्ट देता है कुछ भी करता है तो आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए. बिनी मीना एंड शालू कम्स इनटू द इवनिंग. उसके कुछ फ्रेंड्स हैं बिनी मीना एंड शालू, वो शाम को आती हैं. दे आर प्रियाज फ्रेंड्स. ये सब सारी प्रिया की मित्र हैं. प्रियाज मदर वेलकम द चिल्ड्रन. प्रिया कम्स इन. प्रिया की मदर जो है वो बच्चों को बिठाती हैं. फिर प्रिया आती है. शी इज़ बियरिंग अ न्यू पिंक फ्रॉक और उसने एक बहुत प्यारी सी पिंक फ्रॉक पहन रखी है. देर आर फाइव कैंडल्स शी इज़ लाइटनिंग द कैंडल. यहाँ पे पांच कैंडल लगी हुई हैं और प्रिया जो है उस कैंडल्स को जलाती हैं. प्रिया ब्लोज आउट द कैंडल. प्रिया उसके बाद उन कैंडल्स को बुझाती है. निशु बिनी मीना एंड शालू क्लैप्स एंड सिंग. जो उसका भाई है और उसके तीन फ्रेंड्स हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, क्लैप करते हैं और गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू. आप भी अपने बर्थडे में गाना गाते हो? उन लोगों ने मैं अपनी सिस्टर के लिए अपनी फ्रेंड के लिए गाना गाया. कम एट द नेक्स्ट पेज लास्ट. हैप्पी बर्थडे टू प्रिया और सबने लास्ट में उसको बोला हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो. बिनी गिव्स अ क्यूट डॉल इट इज़ कर्ली हेयर. बिनी जो उसकी फ्रेंड है वो उसको प्यारी सी डॉल देती है जिसके कर्ली यानी घुंघराले बाल हैं. मीना गिव्स हर अ चॉकलेट बार. मीना उसकी फ्रेंड जो है वो उसको बड़ा सा चॉकलेट देती है. शालू गिव्स अ ब्यूटिफुल हेयर बैंड टू प्रिया. शालू क्या करती है, उसको एक प्यारा सा उसकी फ्रेंड जो शालू है उसको एक बाल में लगाने वाला हेयर बैंड देती है. प्रिया इज़ वेरी हैप्पी शी सिंग्स एंड डांस विथ हर फ्रेंड्स. प्रिया आज बहुत खुश है, वो अपने फ्रेंड्स के संग नाचती गाती है और इस तरह से वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट
करते हैं। इस लेसन से आप सीखते हैं कि कैसे किसी के बर्थडे में जाते हैं, कुछ थोड़ा छोटा मोटा जैसा भी आपका अफोर्डेबल हो वो गिफ्ट लेके जाया जाता है, उसको दिया जाता है। अगर आपका बर्थडे है और आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको थैंक यू करना चाहिए। उसके बाद बच्चे इंजॉय करते हैं, नाश्ते खाते हैं, फिर जो भी डिनर बना होता है या लंच बना होता है जिस भी वक्त में वो सेलिब्रेट हो रहा है वो खाया जाता है और इस तरह से अपने घर बैक होते हैं वापस आते हैं। तो ये एक वे है, एक सिंपल वे है बर्थडे मनाने का। इस लेसन से आपने ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर को पुट अप किया जाएगा। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।